गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। बीएससी से थर्ड ईयर स्टूडेंट जो चल रहा था हमारा टॉपिक, वह चल रहे थे एडेप्टेशन, जिसमें हमको अलग अलग प्रकार के पादपों में ठीक है एडेप्टेशन अनुकूलनों का अध्ययन करना था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जीरोफाइट्स प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया था, उनके एडेप्टेशन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है कि हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स किसे कहते हैं, ठीक है जलोद्भिद पादप किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स। हाइड्रोफाइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, जलोद्भिद। ठीक है, क्या कहते हैं, जलोद्भिद कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम हाइड्रोफाइट्स जो शब्द है, ठीक है हाइड्रोफाइट्स जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, फर्स्ट जो है वह क्या है, गुडर। ठीक है, क्या है, गुडर, याद रखना कौन सा शब्द है, गुडर। तथा दूसरा शब्द जो है वह क्या है, फाइकॉन। ठीक है, क्या है, फाइकॉन। इन दो शब्दों से मिलकर ठीक है इस शब्द का निर्माण हुआ है, हाइड्रोफाइट्स का निर्माण हुआ है। हुडर जो शब्द है इसका अर्थ होता है हाइड्रो, ठीक है अर्थात जल। ठीक है, तथा फाइकॉन का अर्थ होता है प्लांट। ठीक है, क्या होता है, प्लांट होता है। ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर ठीक है इस शब्द का निर्माण हुआ जलीय पादप। ठीक है, क्या हुआ, जलीय पादप। ठीक है, तो याद रखना हाइड्रोफाइट्स लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, एक तो हुडर और दूसरा शब्द है फाइकॉन। ठीक है, हुडर का अर्थ होता है हाइड्रो तथा फाइकॉन का अर्थ होता है प्लांट, अर्थात हाइड्रो प्लांट अर्थात जलीय पादप। ठीक है, क्या है, जलीय पादप। ठीक है, अब हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स किसे कहते हैं वह देखते हैं। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स की परिभाषा क्या है, वे पादप। ठीक है, वे पादप जो पूर्ण या आंशिक रूप से, पूर्ण या आंशिक रूप से, ठीक है पूर्ण या आंशिक रूप से अथवा अथवा जल से संतृप्त, जल से संतृप्त मृदा में, मृदा में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं या जलीय आवासों में, जलीय आवासों में, आवासों में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले पादपों को, पादपों को हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद कहते हैं, जलोद्भिद कहते हैं। ठीक है, जलोद्भिद पादप की हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स की परिभाषा क्या है, वे पादप जो पूर्ण या आंशिक रूप से ठीक है या जल से संतृप्त मृदा में पाए जाते हैं या जलीय आवासों में पाए जाने वाले पादपों को हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद पादप कहते हैं। ठीक है, यह क्या है इसकी परिभाषा। ठीक है, नेक्स्ट है परिभाषा प्रसार, हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स के प्रसार जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वह क्या है, हाइड्रोफाइट्स जलोद्भिद के प्रकार। ठीक है, जलोद्भिद का हम वर्गीकरण देखें, क्लासिफिकेशन देखें ठीक है या टाइप देखें तो वह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन या टाइप। ठीक है, तो ये पांच नंबर का क्वेश्चन आए आपके लास्ट ईयर आया था। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स का वर्गीकरण कीजिए या इनके प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स जो है वो इसका चार्ट मैंने बनाया है यहाँ पर, वह देखते हैं। ठीक है, जलोद्भिद पादप जो है किसके आधार पर, जीवन रूपों के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, जीवन रूप, लाइफ फॉर्म,
है, जीवन रूप के आधार पर जो है पादप मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, पादप प्लवक असंवहनी। ठीक है, इनको क्या कहेंगे? पादप प्लवक असंवहनी को फाइटोप्लैंकटन, ठीक है, फाइटोप्लैंकटन नॉन वैस्कुलर। ठीक है, क्या कहेंगे? फाइटोप्लैंकटन नॉन वैस्कुलर फाइटोफाइट। तथा दूसरे प्रकार के जो होते हैं उसे मैक्रोफाइट संवहनी अर्थात मैक्रोफाइट वैस्कुलर हाइड्रोफाइट। ठीक है, दो प्रकार के ये जीवन रूपों के आधार पर पादप जलोदित पादप होते हैं। अब मैक्रोफाइट संवहनी जो प्लांट्स होते हैं हाइड्रोफाइट होते हैं वह जल में उपस्थित या किसी जलाशय में उपस्थित जलाशय के तल के आधार पर जलाशय में उपस्थित तल में जो मृदा होती है उसकी उपस्थिति के आधार पर यह मुख्य रूप से मैक्रोफाइट होते हैं। मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, किसी प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। किस आधार पर होते हैं? जिसके द्वारा जलाशय में तल की मृदा की उपस्थिति के आधार पर ठीक है, जो मैक्रोफाइट्स पादप होते हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट निमग्न जलोद्भिद, ठीक है, सेकंड प्लावी जलोद्भिद और थर्ड जो है वह है जल स्थिर जलोद्भिद। कौन से? जल स्थिर जलोद्भिद। तो तीन प्रकार जो है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट निमग्न जलोद्भिद को क्या कहेंगे हम? सबवर्ज्ड, ठीक है, क्या? सबवर्ज्ड हाइड्रोफाइट। ठीक है, सेकंड जो है वह प्लावी जलोद्भिद। कौन से? प्लावी जलोद्भिद अर्थात फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। ठीक है, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। तथा तीसरे प्रकार के जो होते हैं वह होते हैं जल स्थिर जलोद्भिद। ठीक है, कौन से? जल स्थिर जलोद्भिद अर्थात एम्फीबियन हाइड्रोफाइट। ठीक है, एम्फीबियन हाइड्रोफाइट। तो ये मैक्रोफाइट संवहनी जो प्लांट्स हैं उनके कुछ तीन प्रकार के निमग्न जलोद्भिद, ठीक है, सबवर्ज्ड हाइड्रोफाइट, प्लावी जलोद्भिद, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट और जल स्थिर जलोद्भिद अर्थात एम्फीबियन हाइड्रोफाइट, तीन प्रकार के होते हैं। अब निमग्न जलोद्भिद जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, निमग्न निलंबी और निमग्न स्थिर। तीन प्रकार के, निमग्न निलंबी और निमग्न स्थिर। ठीक है, तो इनको देखते हैं। फर्स्ट सबवर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स को, तो सबवर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं पहले तो हमको यह पता होना चाहिए। ठीक है, तो वे जलोद्भिद, ठीक है, सबवर्ज्ड हाइड्रोफाइट या इनको क्या कहेंगे हम? निमग्न, याद रखना, क्या? निमग्न किसे कहते हैं? वे जलोद्भिद जो पूर्ण रूप से जल में डूबे रहते हैं। ठीक है, उन पादपों को क्या कहते हैं? निमग्न जलोद्भिद पादप कहते हैं। अब निमग्न जलोद्भिद पादप मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, निमग्न निलंबी और निमग्न स्थिर। ठीक है, निमग्न निलंबी और निमग्न स्थिर। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट प्रकार है इसका एक निमग्न निलंबी अर्थात सब मर्ज सस्पेंडेड। ठीक है, सब मर्ज सस्पेंडेड पादप किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये वे प्रकार के जलोद्भिद जो हैं, ठीक है, वे निमग्न जलोद्भिद, वे निमग्न जलोद्भिद जो, ठीक है, जो पूर्ण रूप से जल में डूबे हो, ठीक है, किसमें डूबे हो? पूर्णतः जल में डूबे रहते हैं, जो पूर्णतः जल में डूबे रहते हैं,
या जल के अंदर रहते हैं तथा इनमें मूलों का अभाव होता है। क्या होता है? मूलों का अभाव होता है तथा इनका संबंध जलाशय के तल की मृदा से नहीं होता है। उन पादपों को क्या कहते हैं? सर्वमर्द सस्पेंडेड या निबंध निलंबी कहते हैं। ठीक है, कैसे पादप हैं? वे जो पूर्णतः जल में डूबे हो, ठीक है, और लेकिन इनमें किसका अभाव होता है? मूलों का अभाव होगा इसमें, तो इनकी जो जड़ें हैं, ठीक है, उनका संबंध जलाशय के तल की मृदा से किसी भी प्रकार का नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार के पादपों को क्या कहते हैं? निमग्न निलंबी या सर्वमर्द सस्पेंडेड हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल याद कर लेना, हाइड्रिला एंड यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, हाइड्रिला एंड यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, तो पहले ये प्रकार है निमग्न निलंबी। ठीक है, सेकंड जो है, ठीक है, सेकंड देखते हैं वह क्या है? निमग्न स्थिर अर्थात सब मर्ज रूटेड। ठीक है, सब मर्ज रूटेड, तो ये क्या है? वे निमग्न जलोद्भिद जो जल में डूबे हों तथा इनकी मूलें जलाशय के तल में स्थिर रहती हों उन्हें क्या कहते हैं? निमग्न स्थिर कहते हैं। यानी ये पादप जल के अंदर तो डूबे रहते हैं, लेकिन इनमें मूलें पाई जाती हैं, और मूलें जो है वो कहाँ पर स्थित होती है? जलाशय के तल पर या जलाशय के तल की मृदा से संबंधित होती है। ऐसे पादपों को निमग्न स्थिर पादप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल वेरिसनेरिया एंड आइसोपीरिस। ठीक है, क्या है? वेरिसनेरिया एंड आइसोपीरिस, तो ये है निमग्न जलोद्भिद और उनके दो प्रकार। नेक्स्ट जो है, सेकंड जो है वह क्या है? प्लावी जलोद्भिद। कौन से? प्लावी जलोद्भिद। सेकंड जो प्रकार है फ्लोएटिक हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, प्लावी जलोद्भिद। अब ये जो है क्या है कि वे जलोद्भिद पादप जो जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। क्या हो? वे पादप जो जल की सतह पर, ठीक है, जल की सतह पर तैरते रहते हैं। ठीक है, उन पादपों को क्या कहते हैं? प्लावी जलोद्भिद पादप कहते हैं। अब प्लावी जलोद्भिद पादप जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र प्लावी और स्थिर प्लावी। ठीक है, कौन से? स्वतंत्र प्लावी और स्थिर प्लावी। ठीक है, तो स्वतंत्र प्लावी किसे कहेंगे? निलंबी की तरह। ठीक है, वे स्वतंत्र प्लावी, ठीक है, जिनका जलाशय की तल की मृदा से कोई संबंध नहीं होता हो, यानी इनमें मूले तो पाई जाती होगी या उपस्थित हो भी सकते नहीं, लेकिन जलाशय के तल की मृदा से इनका कोई भी संबंध नहीं होता है। जल की सतह पर तैरते रहते हैं। ऐसे पादपों को क्या कहते हैं? स्वतंत्र प्लावी पादप कहते हैं। एग्जांपल लैमिना एंड साल्विनिया। ठीक है, कौन से? लैमिना एंड साल्विनिया। तो फर्स्ट जो है इसलिए कहते हैं स्वतंत्र प्लावी,
एग्जाम्पल फ्री फ्लोइटिंग, ठीक है, कौन से पादप, फ्री फ्लोइटिंग हाइड्रोफाइट, ठीक है, जल की सतह पर उपस्थित, जल की सतह पर उपस्थित होते हैं, ठीक है, तथा मूलों का, मूलों का जलाशय के तल से, तल की मृदा से कोई संबंध नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है, ऐसे पादपों को क्या कहते हैं, स्वतंत्र प्लावी या फ्री फ्लोइटिंग कहते हैं। एग्जाम्पल लैमिना एंड साइलिनिया, कौन से, लैमिना एंड साइलिनिया। सेकंड जो है जो प्लावी जो होती है वह है स्थिर प्लावी, ठीक है, कौन से, सेकंड बी पॉइंट स्थिर प्लावी, अर्थात फ्लोइटिंग, फ्लोइटिंग रूटेड, ठीक है, फ्लोइटिंग रूटेड, इन्हें जल की सतह पर उपस्थित, ये तो कंडीशन है जल की सतह पर ही पाए जाते हैं, लेकिन मूले जलाशय की तल से, जलाशय के तल की मृदा से जुड़ी रहती है, जुड़ी रहती है, ठीक है, या उनमें स्थित रहती है, उनको क्या कहते हैं, स्थिर प्लावी पादप कहते हैं। एग्जाम्पल लिम्बिया रापा एंड जस्सिया, ठीक है, लिम्बिया रापा एंड जस्सिया। तीसरे प्रकार के मैक्रोफाइट्स वैस्कुलर प्लांट्स हैं, वह जल स्थिर जलोद्भिद, अर्थात एम्फीबियंस जलोद्भिद पादप। ये किसे कहेंगे, वे पादप, ठीक है, जिनकी मूले जल, जलाशय के तल और वायु वातावरण दोनों के संपर्क में पाए जाते हैं, ऐसे पादप क्या कहते हैं, जल स्थिर जलोद्भिद कहते हैं। इन पादपों में क्या होता है कि जल, जड़ें, मूले और तना, ये तो जल के तलाशय के अंदर डूबी हुई रहती है, तलाशय से संबंधित होती है, जुड़ी रहती है, तथा इनका जो वायवीय भाव होता है, ठीक है, वह कहां पर पाया जाता है, वायु वातावरण के संपर्क में रहता है, ऐसे पादपों को क्या कहते हैं, हम जल स्थिर जलोद्भिद पादप कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल टाइफा, जंगस, रेनकुलस, ठीक है, कौन कौन से, टाइफा, जंगस एंड रेनकुलस, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना। लास्ट ईयर जो है पूरा क्वेश्चन फिफ्थ नंबर का आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है इसका, ठीक है, पांच नंबर क्वेश्चन, आपको एक चार्ट बनाना है और सबकी परिभाषाएं लिखनी है आपको, उन प्रकारों की, और कम से कम दो दो एग्जाम्पल्स आपको इसके अंतर्गत याद रखना है, ठीक है। तो आज हमने केवल क्या पढ़ा, हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स किसे कहते हैं तथा हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोफाइट्स में एडेप्टेशन अनुकूलनों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।